अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को दो कलर में डिजाइन बताऊंगी। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, देखिए इसे हम बॉर्डर बना लिए हैं। इसमें हम फंदे टू के मल्टीपल फंदे डालेंगे और इसमें देखिए और यहाँ तक हम बॉर्डर बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से बॉर्डर बना लीजिए इधर, और देखिए यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद दो सिलाई सीधी उल्टी बुनेंगे। पहले जिस कलर से हम बॉर्डर बनाएंगे उसी कलर से दो सिलाई बुनेंगे, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। देखिए देखिए पूरी सिलाई हम सीधी बुनेंगे। देखिए हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये आ गई हमारी दूसरी साइड और ये उल्टी साइड है। देखिए एक सिलाई के बाद ये दूसरी सिलाई उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम पूरे सिलाई उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए देखिए ऐसे करके हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। देखिए अब दो सिलाई के बाद सीधी उल्टी के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। आप अपने मनपसंद के हिसाब से कलर चेंज कर सकती हैं। जैसे देखिए आप चाहें तो मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हैं इस डिजाइन को। देखिए हम यहाँ दो कलर में ही बनाएंगे। देखिए तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है दिख रहा होगा आपको, देखिए एक और ये दो, जो दो है ये दो दिख रहा है। इसके नीचे हम ऐसे एक फंदा हम बनाएंगे, इसके नीचे से ऐसे एक फंदा बनाएंगे। देखिए इस फंदे को आप थोड़ा सा लूज रखिएगा, देखिए ऐसे ऐसे इसके बराबर। उसके बाद से फिर से दो फंदा सीधा बुनिए, दो फंदा सीधा बनाए, फिर से वही एक और ये दो, दूसरा में हम फिर से एक फंदा बनाएंगे। देखिए उसके बाद से फिर से दो फंदा सीधा बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक और ये दो, देखिए ऐसे करके फिर से दो फंदा हम सीधा बनाएंगे। देखिए एक और ये दो, फिर से दो फंदा सीधा, एक और ये दो, फिर से एक और ये दो, फिर से दो फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए फिर से दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक और ये दो, फिर से एक फंदा यहाँ से बनाएंगे, एक और ये दो। ऐसे ही करके हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे फर्स्ट में सिलाई में हम तीन फंदा सीधा बुने हैं, उसके बाद से ये एक यहाँ से निकाले और दो फंदा के बाद से फिर से देखिए ऐसे ही करके ये पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अब ये हमारी लास्ट में आ गई। देखिए यहाँ पे हम दो फंदा सीधा बुनने के बाद फिर से एक और ये यहाँ पे एक फंदा बनाएंगे। देखिए अब ये एक और ये दो और ये तीन, देखिए यहाँ भी तीन फंदा सिंगल बुने थे और यहाँ भी तीन फंदा सिंगल बुने हैं। अब टू के मल्टीपल फंदा डालेंगे दो 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 करके, तो ये डिजाइन सेट हो जाएगी। देखिए अब आ गई हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकती हैं, हम इसे बुन लेंगे। देखिए इस फंदे को भी, जो फंदा हम नीचे से उठाए हैं उसको भी बनाए हैं, सॉरी उसको भी हम सारे फंदे को हम यहाँ पे बुन लेंगे। देखिए सिंगल सिंगल करके सबको हम बुन लेंगे। ऐसे ही बुनकर हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई उल्टी साइड। अब आ गई हमारी सीधी साइड से हम कलर को चेंज करेंगे। फिर से हम वही ब्लैक कलर लगाएंगे। देखिए अब एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा और सीधा बुनेंगे। इस यहाँ पे उनको खींच लीजिए ऐसे करके, फिर से
देखिए फर्स्ट बार हम दो तीन फंदा सीधा बुने थे, इस बार हम दो फंदा बुनेंगे सीधा। और जो फंदा ये हम इसको नीचे से लिए थे, देखिए दिख रहा होगा आपको, जो फंदा हम ये नीचे से लिए थे उसको हम ऐसे करके, देखिए ऐसे करके इसमें उतार लेंगे। उसके बाद हम ये वाला फंदा को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके हम बुन लेंगे। देखिए एक और ये दो, दो बुन लिए, फिर से इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए जो फंदा यहाँ पे बढ़ गया था फिर से मेरा बराबर हो गया, ये फंदा घट के बराबर हो गया। देखिए फिर से इस फंदे को हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ, देखिए ऐसे करके, देखिए ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके फंदे को इस सिलाई पे उतार लेंगे। उसके बाद फिर से ये वाले फंदे को हम सीधा सीधे साइड से बुन लेंगे, एक और ये दो, फिर से इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। देखिए ऐसे करके, देखिए फिर से इस फंदे को हम इस सिलाई में उतार लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे करके बुन लेंगे। देखिए सॉरी, दो फंदा बुन लिए, उसके बाद से फिर इस फंदे को हम ऐसे उतार देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो फंदा हम नीचे से उठाए थे उसी फंदे को यहाँ से और एक फंदा आगे वाला को ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद से इस फंदे के ऊपर से इसको हम गिरा देंगे। देखिए ऐसे करके फिर से एक फंदा और ये हमारी दो फंदा, दो फंदा के ऊपर से ये वाला फंदा हम ऐसे करके गिरा देंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर से ऐसे और उसके बाद ऐसे, फर्स्ट वाला फंदा को मतलब हम बुन लेंगे और इसको एक और फंदा, उसके बाद से इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। देखिए ऐसे ही करके हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे हमारे लास्ट वाले फंदा, लास्ट वाला यहाँ भी फर्स्ट में हम दो फंदा सीधा बुने थे और यहाँ भी हम दो फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे, ये अब आ गई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड से हम उल्टा ही बुनेंगे, ये उल्टी साइड से कोई डिजाइन नहीं डलेगी, ये उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। देखिए ऐसे बुन के पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए देखिए अब आ गई हमारी सीधी साइड, सीधी साइड से हम फिर से कलर को चेंज करेंगे। देखिए एक फंदा, फिर से ये दो फंदा, दो फंदा के बाद फर्स्ट सिलाई डिजाइन में हम तीन फंदा बुने थे और इस बार हम दो फंदा बुन के ये डिजाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए एक दो, देखिए ऐसे, फिर से बता दे रहे हैं इस फंदे को आप लूज रखिएगा तभी जाके ये डिजाइन अच्छा बन पाएगी। देखिए फिर से एक और ये दो, फिर से देखिए यहाँ एक और ये दो, फिर से एक और ये दो। देखिए यहाँ पे फिर से हम दो फंदे के बाद, दो फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ आसान हो जाती है कि एक दो यहाँ से कलर पता चलता है, तो यहाँ पे आराम से आदमी यहाँ पे देखिए दो एक फंदा बना लेगा। फिर से एक और ये दो, फिर से देखिए ये दोनों को ऐसे करके देखिए एक सीधा सा फंदा बना लेंगे। फिर से देखिए एक और ये दो, फिर
फिर से यहाँ पे एक और ये दो, यहाँ पे एक फंदा हम बना लेंगे, एक और ये दो, ऐसे देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिजाइन। एक और ये दो, एक और ये दो, ऐसे करके पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब ये आ गई हमारी लास्ट फंदा, देखिए जैसे चार फंदा बचा है, दो फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद से फिर से यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे बना लेंगे। अब दो फंदा जो है उसको हम सीधा ही बुन लेंगे, देखिए दो फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे, जैसे यहाँ भी हम दो फंदा सीधा बुने थे और यहाँ भी दो फंदा हम सीधा बुने हैं। उसके अब ये आ गई हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। देखिए ऐसे ही करके हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे, देखिए ये उल्टी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए अब आ गई हमारी सीधी साइड, सीधी साइड में देखिए थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी। जो बनाते हैं उनको तो समझ में आ जाती है, मगर जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनके लिए देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। देखिए सॉरी, देखिए ये हम उल्टी साइड से उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिए। अब आ गई हमारी सीधी साइड, सीधी साइड से कलर को चेंज करेंगे। देखिए ये एक फंदा ऐसे बुनेंगे, देखिए इसको उनको खींच दीजिएगा इसे, उसके बाद से फिर से हम देखिए ये जो फंदा बढ़ाए हैं यहाँ से नीचे से जो फंदा उठाए हैं उसको ऐसे करके हम इस सिलाई में उतार लेंगे, उसके बाद से ऐसे करके इसको एक और ये दो, इसके बाद से इसके ऊपर से हम उतार लेंगे इसको ऐसे। देखिए फिर से ये वाला फंदा को ऐसे, फिर से ऐसे करके हम दो फंदा बुन लेंगे सीधा, उसके बाद से इस फंदे को हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो फंदा हम उठाए हैं नीचे से यहाँ से हम बनाए हैं उसी फंदा से फंदे को हम ऐसे करके इस फंदे में इस सिलाई में उतारेंगे, और उसके बाद से आगे वाला फंदा को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, उसके बाद से एक फंदा और सीधा बुनेंगे, और उसके बाद इस फंदे को हम इसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। देखिए फिर से देखिए ये ऐसे करके इस सिलाई पे उतार लीजिए, उसके बाद से इस फंदे को इधर से देखिए ध्यान दीजिए इधर से ऐसे सिलाई लगाकर ऐसे फंदा सीधा बुन लीजिए, उसके बाद इस फंदे को दो फंदा सीधा बुनकर इस फंदे को इसके ऊपर से उतार लीजिए। देखिए ऐसे ही करके हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए आगे हमारी लास्ट फंदा, ये इसको हम ऐसे यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे करके उतारने के बाद एक फंदा मेरा बचा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। देखिए जैसे यहाँ भी एक फंदा हम सीधा बुने थे और यहाँ भी एक फंदा हम सीधा बुने, अगर फंदा आप टू के मल्टीपल डालिएगा तो ऐसे दोनों साइड आपको बराबर बराबर ही बनेगा। उसके बाद से आगे हमारी उल्टी साइड, उल्टी साइड से हम हर बार की तरह पूरी सिलाई
उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए पूरी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट कर, देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से एक डिज़ाइन हम आपको बता देते हैं। देखिए अब यहाँ से कलर, ये दो सिलाई का ही है, एक कलर से दो सिलाई बनता है ये इस डिज़ाइन में। तो देखिए एक और ये दो और ये तीन, यहाँ पे हमने तीन फंदा बुन के उसके बाद से डिज़ाइन बनाए थे। फिर से यहाँ पे हम दो फंदा बुने थे और फिर से यहाँ तीन फंदा बुन के यहाँ पे हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए देखिए ये दो, फिर से यहाँ यही चीज़ हमको बार बार रिपीट करना है। देखिए देखिए जैसे कि आप स्टार्ट कीजिएगा यहाँ से, तो तीन फंदे के बाद से ये फंदा बढ़ाइएगा और यहाँ पे दो फंदे के बाद से ये फंदा यहाँ से बनाना है। फिर से ये तीसरी बार यहाँ पे तीन फंदे के बाद से यहाँ पे ये डिज़ाइन डालना है, यही चीज़ बार बार रिपीट करना है, तो ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। देखिए यहाँ लास्ट में मेरा इस डिज़ाइन के बाद ये तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। देखिए यहाँ भी तीन फंदा और यहाँ भी तीन फंदा, जितना फंदा इधर रहेगा उतना ही फंदा आपको इधर भी रहेगा। तो ये डिज़ाइन बहुत, देखिए आपको जितना बनाना है, जितना लंबा बनाना है, यही यहाँ पर तीन, यहाँ पे दो, फिर से यहाँ तीन, फिर से दो, फिर से तीन, आप यही चीज़ बार बार रिपीट कीजिएगा तो ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। देखिए